हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने छत के एक कॉर्नर में रखे हुए कुछ पौधों का व्यू आपको दिखाऊंगी। आपको कैसा लगा बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये मेरा बहुत पुराना जेट प्लांट है। ये तकरीबन 5 साल का है और इसी कटिंग से मैंने ढेर सारे पौधे तैयार किए हैं। और ये देखिए, ये भी जेट प्लांट है। और ये देखिए, ये जेट प्लांट की टोपियारी बनाई थी मैंने। और ये भी जेट प्लांट की टोपियारी है। देखिए, आप देख सकते हैं, डेविल्स बैकबोन का पौधा मैंने कटिंग से लगाया है। और ये नीम का पौधा ग्रो बैग में लगा हुआ है। आप देखिए इसकी हाइट, देखिए। और ये ओलियंडर का पौधा है। और इसमें मैंने ये भी डेविल्स बैकबोन की कटिंग लगाई है। और इसकी भी आप हाइट देखिए, ये देखिए। पर्पल हार्ट मैंने इसमें बॉटल में लगा के टांगा है। और ये भी डेविल्स बैकबोन लगा हुआ है। और ये मेरा मूर्खेस का पौधा, देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं। और ये भी एक जेट प्लांट का पौधा है, ये देखिए। इसकी भी मैं टोपियारी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मेरा मेहंदी का पौधा है, देखिए आप, ये देखिए, ये देखें, ये सदाबहार। और ये भी सारे डेविल्स बैकबोन है। और ये देखिए, मैंने जेट प्लांट से गणेश जी बनाने की कोशिश की है। पास से देखें आप, देखिए। और ये मेरा डेफिन बेकिया का पौधा है, ये एक्जोरा है, ये भी डेविल्स बैकबोन। दोस्तों, इस घर में मेरे डेफिन बेकिया के सारे पौधे ख़राब हो गए, तो मैंने फिर से उनकी कटिंग लगा के उसको फिर से उगाया है। और ये देखिए रोयो प्लांट। और ये DIY मैंने बनाया। ये भी डेविल्स बैकबोन है। और ये बॉटल में लगे हुए कुछ पर्पल हार्ड जेट प्लांट। और ये देखिए, ये भी जेट प्लांट की टोपियारी है, ये ऊपर तक। ये DIY भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया है, सीमेंट का है, ये बहुत ही पुराना है, देखें। और ये मेरी टिकोमा की बेल है, ये देखिए ऊपर तक गई है। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, मैंने अभी अभी इसकी रिपोर्टिंग की है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।